आदित्य, बहुत मुश्किल घड़ी होगी परिवार के लिए। मतलब विरोध मार्च करने निकले थे, कोई कल्पना कर सकता है कि अर्थी अब घर वापस लौटेगी? अथाह दुख होगा इस घर में इस वक्त आदित्य। जी बिल्कुल अंजना, जहां तक बात की जाए विजय सिंह के कल्पा गांव में स्थित जहानाबाद जिले के घर की, तो आप देख सकती हैं कि किस तरह से यहां मातम पसरा हुआ है। आपको दिखाते चले कि यहां किस तरह से विलाप हो रहा है और पूरा गमगीन माहौल यहां पर है। आप देख सकते हैं कि यहां रिश्तेदार और पड़ोसी भी धीरे धीरे कर जुटना शुरू हो चुके हैं और यहाँ माहौल काफी गमगीन है, मातम पसरा हुआ है। आपको ये भी बताते चले अंजना कि सबसे बड़ी बात यह कि आज सुबह विजय सिंह यहाँ पर जानवरों को चारा देकर खुद नाश्ता कर। जी बिल्कुल अंजना, यहाँ उनकी पत्नी है और उसके अलावा उनके चार बच्चे हैं, एक बेटा और तीन बेटी, जिसमें से दो बेटियों की शादी हो रखी है लेकिन एक बेटी की शादी अब भी होनी बाकी है। आपको दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह से भीड़ लगी हुई है पड़ोसियों की और सगे संबंधियों की और शुभचिंतकों की, जो सीधे एक एक करके इस घर पर पहुंचते जा रहे हैं और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मातम पसरा हुआ है। हम बात करते हैं उनके भाई से और उनसे पूछते हैं कि आज क्या कुछ हुआ था सुबह में। वो तो सुबह 8 बजे यहाँ से खा पी के गए थे और कहे कि रैली में जा रहे हैं और वहाँ नीतीश कुमार की क्रूरता के कारण को डांटी डंटा से मार दिया गया है पीट के। मेरे यही गुंजाइश है कि भाजपा सरकार से भी यही गुंजाइश है कि उनको परिवार के अब राहत दिया जाए, और उससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। अंजना, और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी पत्नी है पुष्पा जी, उनके पास लिए चलते हैं आपको। ना कुछ पुष्पा जी बताएं कि आज किस तरह से सुबह निकले थे। अरे तो हम तो एक बार तो हम बता चुके हैं, एक बार तो हम बता चुके हैं कि हमसे बोले कि सुबह हमको 8 बजे जाना है पटना, नाश्ता बना दो। हम उठे, नाश्ता बना दिए, बोले कि जाइए नहा लीजिए, तो नहा लिए। उसके बाद बोले कि लाओ नाश्ता दो, हम नाश्ता दिए, नाश्ता किए। बोले कि एक ठो रोटी आओ लाओ, वो भी दिए, अच्छा से खाए हैं, जाकर कपड़ा पहने। उसके बाद हम भी आए उधर से, जाते हैं तो हम पीछे लगा लाते हैं भी, वहाँ गेट पर गए हम, यहाँ थे। उसके बाद बोले कि से कब आना है, तो बोले कि शाम तक आ जाएंगे, बस इतना ही बात हुआ है। आओ विशेष का बताएं, रोज को तो उनको रोए 2 दिन पर 4 दिन पर 1 दिन पर यही उनका था, तो हम कितना उनको रोक लगाते, हम रोकबो नहीं करते थे कि जाइए, आपको तो ही कामे है था। और विशेष कुछ बात नहीं है। आपने सुना अंजना कि ये एक साधारण दिन था, जिस तरह से वो अक्सर पटना के लिए जाया करते थे राजनीतिक कारणों से या कुछ अन्य कारणों से भी, उस तरह का ही माहौल था। सुबह नाश्ता किया है उन्होंने और उसके बाद से यहाँ निकले हैं और इस उम्मीद के साथ निकले हैं कि आज शाम तक वापस आ जाएंगे, लेकिन उनके आने से पहले जो खबर आई आप देख सकती है अंजना, उसके बाद से घर में कैसा माहौल है।